लड़के नहीं हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। 2 लाख रुपए ले रहे हैं, उसकी कोई हमें सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। अब मामला हमने आगे उठाया तो ये आगे कोई इनिशियेटिव प्रशासन कोई किसी प्रकार का सेटिस्फाइड नहीं करवा रहा हमें। टैंग राजस्थान रही लड़का या कोई बाहर रही है? राजस्थान के ही हैं, बाहर के भी हैं कोई लोग, लेकिन ये हमारी अब मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम अनशन पर भी बैठेंगे। तो 8 दिन तो हो गए रेगुलर यहीं बैठे हैं। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको जोधपुर शो। तो की करो आप सब, आप देख रहे हो झलको जोधपुर, मेरा नाम है नवजीत परियार। चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और यूट्यूब में देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दो ताकि शहर जुड़ी हुई बड़ी खबर आपने मिल सके। आज न्यूज रे क्रम रमाइन आप एवडा जोधपुर रमाइन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को कृषि आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उठा एवडा, और अट ये बात आयोडा है कि अट पिछला 9 दिनों जिका छात्र है एक हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहा है, कई वास्ते कर रहा है कि यहाँ यूनिवर्सिटी है जोधपुर रमाइन जी की, उन्हें अंडर रमाइन एक दो यूनिवर्सिटी दो कॉलेज भी आया करे, तो उठे जिका यूजी करे यार बाद में जिका छात्र रिया करे वे अपना इंटर्नशिप करिया करे जो अपना MBBS में भी होवे, और जिका शिक्षक रिया करे BEd वाला है भी 2-4 महीना रि करिया करे, तो याने भी और रिया करे कोर्स करिया बाद रे महीने 1 साल रे इंटर्नशिप रिया करे, तो इंटर्नशिप रे महीने उदयपुर रो एक जिको कॉलेज है जिको यूनिवर्सिटी रे अंडर महीने आवे उठे रे जिका छात्रा ने मिले 14,000 रुपये प्लस 31% DA मिले 14,000 रो, और 18 जिका छात्र है वहाँ 7,000 रुपये मिले। तो एक तो हड़ताल है यानी मतलब वो यही वजह भिड़ा हुआ है, एक वो है कि उट्टे जी की साल भर की फीस है वह 15-20,000 रुपया है, और अट्टेरी जी की फीस है वह लाखों महीने है, तो वह भी आप जाना ला अट्टे जी का छात्र है वाणु के कई मसलो है और ए अबार तक उन्हें लेने कई कर रहे हैं लोगों से। यहाँ पर जो 2 लाख रुपये फीस ली जाती है नेट 6 लाख रुपीज बनता है, तो उसका हिसाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। इवन आप यहाँ देख सकते हैं कि अपन लोगों ने बंद कर दिया, लॉक लगा रखा है, तो यानी कि हम लोग को रोका जा रहा है कि हम इवन टॉयलेट्स भी यूज़ नहीं कर सकते, पानी भी यूज़ नहीं कर सकते। ये तो चलो अभी की बात है, यूजुअली जब भी हम लोग डिपार्टमेंट में रहते हैं तो हम लोग को पानी की कोई सुविधा नहीं है, हम लोग को खुद से कैंपर मंगवाना पड़ता है पीने के लिए। तो यानी कि 2 लाख रुपये में अगर ये लोग हमें बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दे सकते, टॉयलेट का, वॉशरूम का या फिर पानी का, तो फिर किस बात का 2 लाख रुपया है। इवन उस 2 लाख रुपये के बायफर्केशन में 15,000 रुपीज वाईफाई के आते हैं, हम लोग को कोई इंटरनेट सुविधा एज सच नहीं मिलती, कभी भी उस वाईफाई का वो रहता नहीं है, प्रॉपर नहीं रहता, और इवन इन द सेंस अगर हम लोग को वाईफाई का पासवर्ड चाहिए तो काफ़ी ऐसे मुश्किल से मिलता है पासवर्ड भी। तो यानी कि 15,000 रुपीज किस बात के दे रहे हैं पता नहीं, तो ये काफ़ी 15,000 रुपये वाईफाई के एक साल के। मैडम मैं आपको बताऊँ, 15,000 रुपये में आज की टाइम में एयरटेल या जियो का फाइबर एक साल से ज्यादा के लिए फ्री रहता है। एक साल के लिए लेते हैं और उसमें भी हम लोग को कोई एज सच फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू है, हम लोग को ज़रूरत होती है कि हम लोग को वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए, क्योंकि कॉलेज के काम करने होते हैं तब हम लोग काफ़ी इरिटेट रहते हैं, हमें पासवर्ड नहीं मिलता, पासवर्ड मिल भी जाए तो एज सच मतलब उसका कोई रोल नहीं है, वो कभी चलता ही नहीं है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे हमारे कि 2 लाख रुपये जा कहाँ रहे हैं, किस चीज़ के हम लोग से मतलब इतना अच्छा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन कोई बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे, हम लोग कोई लग्जूरियस बात तो करें ही नहीं। छोरा तो बेहरी हटा रिया करेगा बैठा रह जाओ, आप जो लड़के हो हालांकि अपना कानून कोई भेदभाव रो अधिकार नहीं दिया कर, लेकिन मैं आपको पूछूं आप अट 9 दिनों की कर बैठा हो? बहुत दिन से हम कैसे बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन सब अपना टाइम मैनेज करके बैठते हैं यहाँ पे, लेकिन लड़कियों को 100 दिक्कतें होती हैं ये सबको पता है, लेकिन जब हमें बेसिक सोच की भी हमें मतलब नहीं मिलती, हम लड़के नहीं हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट्स बनवाए हैं सबके लिए, तो हमें इतना राइट तो मिलना चाहिए ना, बीइंग अ डॉक्टर, बींग ए फीमेल डॉक्टर, हमें इतना तो राइट होने चाहिए कि हम हमारे हक के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें, हम एक मतलब लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो अगर हमें हमारे आवाज़ उठाने पे हमें शोध से हमें पानी पीने की मतलब इतनी बेसिक फैसिलिटी से अगर वंचित रखा जाता है तो ये कोई मतलब एक मतलब लोकतंत्र की तो मतलब एक पहचान नहीं है ये चीज़। तो हमारे पास इतनी है कि अगर आप मतलब हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बच्चों के अगेंस्ट में ना जाएं, क्योंकि ये जो हमें हक है ये हमें सरकार से मिलेगा, तो आप लोग सिर्फ एक वो बीच की कड़ी है जो आप हमें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसी पैसे में से हमें जो दिया जाता है उसी पैसे से हम लोग वो अरेंज करते हैं ना, सब लोग मंगवाते हैं, तो जब हमें ये पर्टिकुलर पैसा नहीं देंगे तो वो चीज़ कैसे होगी। 2 लाख रुपए ले रहे हैं, उसकी कोई हमें सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। तो आप रही मांगा कई कई है जी की यूनिवर्सिटी मान नहीं रही है बात। हमारी 2 मांगे हैं, पहली है UG स्टाइपेंड को लेकर के, दूसरी है PG स्टाइपेंड को लेकर के। UG स्टाइपेंड इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाला एक कॉलेज उदयपुर, उसका स्टाइपेंड 14,000 प्लस DA कर दिया गया, लेकिन
हमारा ऑर्डर इस बार ब्लॉक कर दिया गया, जबकि आज तक जब भी ऑर्डर रिलीज हुए हैं वो साथ में हुए हैं। पहले 3500 रुपये मिलते थे तब हमारा ऑर्डर सेम था, फिर 7000 मिलता था तब भी हमारा ऑर्डर साथ में रिलीज़ हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो हमने इनसे पूछा था कि आपका क्या रीज़न, इसका रीज़न क्या है, तो इन्होंने बोला कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो इनकी फीस, फीस स्ट्रक्चर का कंपेयर करते हैं तो उदयपुर की फीस है वो मात्र 30000 है पिछले यानी 5 साल की, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा की जो फीस है वो 4,05,000 है। तो आप इतनी भारी भरकम फीस ले रहे हैं तो एक मैं आपको वो पूछना चाहूँ, जो आप बताए कि उदयपुर जी को कॉलेज है उन्हीं 30,000 फीस है ना, टेरी 4 लाख करीब है। एक अभी बात मैं सुनी, ये यूनिवर्सिटी अंडर में नहीं उदयपुर वाला कॉलेज आया करे, तो इतनी मतलब बदलाव की कर रही। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर में उदयपुर कॉलेज आता है और इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में ये यूसीए आता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। फिर अब जब भी ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होती है ये फीस के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। 2010 के अंदर इनकी फीस 60,000 थी, फिर 11 के अंदर 120 कर दी, फिर 12 के अंदर इन्होंने और बढ़ा दी 280 कर दी, फिर इन्होंने लास्ट में 2018 में 4,05,000 कर दी। जब आप इतनी फीस बढ़ा रहे हैं तो स्टाइपेंड स्टैंडर्ड को मेंटेन रखिए। पीजी में यूँ ऐसा कि पीजी में यूनिवर्सिटी अंडर में दो कॉलेज आवे, एक तो उदयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। उदयपुर कॉलेज की तो फीस है 15,000 रुपया 3 साल रही, ठीक है, और वटे स्टाइपेंड वही मिल रही है सरकार दे रही है जी को। जो अटे थोड़ा माने दर्शक ने बताओ, आप जी को स्टाइपेंड कह रहे हो और कई दर्शक हो सके समझ में आवे नहीं, तो थोड़ा एक मारवाड़ी या हिंदी भाषा में बता सको स्टाइपेंड आप कह रहे हो। स्टाइपेंड एक तरह सरकार फेलोशिप दिया करे जिको हायर स्टडी करिया करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करिया करे, महीना मत दिया करे या सालाना दिया करे, महीना मत दिया करे। एमबीबीएस वाला में जो एमडी करे तो वाने भी दिया करे, मैं एमडी करा मान लोगन भी, तो इंटर्नशिप में मिले नहीं हो आप, और इंटर्नशिप में भी मिलिया करे स्टाइपेंड, तो वो सरकार की तरफ से मिलता है। तो अब आर यू है कि दोनों अगर कंपेयर करा फीस, तो पीजी री फीस वटे 15,000 है 3 साल री, अटे 6,00,000 रुपया 3 साल री, वटे स्टाइपेंड और अटे स्टाइपेंड सेम है। स्टाइपेंड लेन मारी मांग है कि भाई सातवां वेतन आयोग लागू हो गया सबरे वास्ते, एमबीबीएस में भी मिल रही है, तो माणवाते भी जो स्टाइपेंड मिल रही है उर्माते सातवां वेतन आयोग लागू करे। अब आर 21 फरवरी ने राजस्थान सरकार एक आदेश जारी करियो जिसमें उदयपुर कॉलेज का नाम आएगी कि भाई 7,000 हो जिन्हें बढ़ान 14,000 प्लस डीए कर दी, और इन्हों पहले भी जदे जदे इंटर्नशिप रो स्टाइपेंड बढ़ियो है या पीजी रो स्टाइपेंड बढ़ियो है, तो दोनों कॉलेज रो साथे बढ़ियो है। 2009 महीने स्टाइपेंड बढ़ाया था सरकार, राज्य सरकार बढ़ाया तो उन टाइम पीजी रो स्टाइपेंड वटे बढ़ियो उदयपुर में और अटे भी बढ़ियो, ठीक है। और इंटर्नशिप रो जिन टाइम पहली 3500 हो अटे भी 3500 हो, वटे 7,000 हो अटे भी 7,000 हो, तो अबे वटे 14,000 हो तो अटे 14,000 नहीं हो, पहली दिक्कत तो आए। और दूजो सातों वेतन आयोग नहीं लागू हाल तक पीजी स्टाइपेंड माते। सीएमओ में बात करी, अशोक जी गहलोत जी वसुंधरा जी में बात करी, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव मिले, भाई तो डिफरेंस की करे उदयपुर कॉलेज री फीस में और स्टाइपेंड में और अठारी फीस में, स्टाइपेंड लगभग दोनों बराबर है लेकिन फीस रो डिफरेंस है, तो उन्होंने भी पता नहीं है। तो भाई यूँ भाई जाँच करा जितनी जल्दी भी तो जल्दी रिजोल्व करा, लेकिन मैं कोई ऐसा जब तक हमारी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं करी ऑर्डर नहीं दे दी इतने मैं स्ट्राइक में थी। एक मैं सुनियो जो काले परसों है लोग बात कहने टाल दी के वित्त विभाग में आगे भेज जोड़ा है कागज, तो आपने कभी कोई कॉपी दी है दिखाई? कॉपी तो नहीं दिखाई सर, 2018 है वित्त विभाग में कागज देवे हर साल, पर हम तक तो की नहीं हुए, तो इन वास्ते हमें वही फाइनल है जितने हमारा ऑर्डर नहीं आवे इतने मैं स्ट्राइक में थे। एक आपको पूछना चाहूँगा, आप जिस दिन पहला दिन अटबे आने बैठे उन दिन अबार तक कोई कार्रवाई हुई या कोई अफसर आना आपको बात करी? अभी तक हमें केवल आश्वासन ही मिला है और अभी किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं है। आपने लागे के आप अगर यूँ बारे बैठा रही हूँ आप तो 9 दिन तो हो ही गया, आपने अपनी 15 दिन 20 दिन बैठ जाओ तो एक्शन लेवल ही मतलब। अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ये कार्रवाई तो अब लगातार चल रही है, बच्चों के जूनियर है जो उनके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो एग्जाम को देखते हुए अब सीनियरों से जूनियर भी पढ़ रहे हैं, तो बाकी ये यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि या तो जो हमारी समस्या है हमने अवगत गहलोत सर से भी करा दिया था वहाँ पे जयपुर जाके भी। आप यह मैटर मैंने मैन आप कह सको दोषी कह सको किन मानो, राज्य सरकार ने मानो है या यूनिवर्सिटी प्रशासन? इसमें होना तो ये है तो दोषी मैन तो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, क्योंकि राज्य सरकार को पता भी नहीं था कि ये भी 2,00,000 रुपये फीस ले दें, 6,00,000 रुपये फीस है पीजी की पर ईयर, 2,00,000 रुपये, जबकि प्राइवेट कॉलेज या टाटिया वगैरह वो पीजी कराती है 1,30,000-40,50,000 में। तो मतलब लोग 50% का ही बात आया गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमें पता नहीं था, पर अभी जो पहले जो हमारे सीनियर थे उन्होंने ये सब मुद्दा उठाया नहीं, और अभी हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय है उनके अंडर में जो उन्होंने बात रखी हमने
तो इन्होंने बैठ के मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में बोला अपन इसको आगे उठाएंगे। अब मामला हमने आगे उठाया तो ये आगे कोई इनिशियेटिव प्रशासन कोई किसी प्रकार का सेटिस्फाइड नहीं करवा रहा हमें। 6 महीने की होती है आयुर्वेद वाली जो यहीं से करनी होती है, और 6 महीने के किसी भी राजस्थान के गवर्नमेंट CSC या PSC में हमारी ड्यूटी लगाते हैं, मॉडर्न वाली होती है वो, तो ऐसे टोटल 12 महीने की होती है। अब वो स्टूडेंट की जो ऐसे पहले कोई आयुर्वेद करता है कोई एलोपैथी वाली करता है। आज का आप इंटर्नशिप बता रहे हैं, उन महीने आपने 7,000 रुपये मिले? उन 12 महीनों में मिलते हैं हमें 7,000 रुपये पर मंथ। तो देख आप इतना लोगों मिले और अटे जानियों के कई समस्या है मारा, इतनी देर तक आप जुड़ी रहा जलको जोधपुर माते। मारा नाम है नवजीत परियार, जय हिंद जय जोधाना।